नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कई लोग पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी EMRS की, जो कि अभी ज्वाइनिंग हुई है फ्रेश लिस्ट वालों की। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसे सभी लोगों को जो भी मुझसे पूछते थे, तो मैं यही कहता था क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली 8-10 दिन पहले ही कुछ लोगों को लेटर इशू करे गए हैं और अभी कुछ लोगों के बच्चे हुए हैं, उनका भी चल रहा है प्रोसेस, और कुछ लोगों को अभी इशू किए जाएंगे जैसे जिनकी पेंडेंसी थी। तो इसके बाद जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा पूरा ये पूरा प्रोसेस, मतलब एक जो फ्रेश लिस्ट है, जो फ्रेश रिज़ल्ट जो आया था पहली लिस्ट में, जब तक इनकी पूरी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आती है कहीं भी हो। तो उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। किसी ने जो है RTI के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी होगी, तो उसमें भी सेम चीज़ ही बताई गई है। इसमें देख सकते हैं, जैसे ये है एक आशीष कुमार मौर्या जी हैं, उन्होंने मांगी होगी जो भी सूचना कि भाई वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो रिप्लाई आया है, आप लोग देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू ESSE इज़ अंडर प्रोसेस। अभी ये प्रोसेस में है और दस द काउंट ऑफ वैकेंट सीट्स रिमेनिंग इज़ नॉट अवेलेबल। और जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा कहाँ पर किस विद्यालय में कितनी सीट्स खाली रह गई हैं। तो इसलिए जब तक एक प्रोसीजर जो चलता है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आती है। After assessing the joining status of the candidate selected through ESSE 2023, release of waitlist may be taken up. जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा तब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये रिप्लाई दिया गया, सेम वही है। तो मान के चलिए दिसंबर तक, नवंबर या दिसंबर में वेटिंग लिस्ट आपकी आ जाएगी, प्रोबेबली दिसंबर में आएगी, क्योंकि सितंबर चल ही रहा है और अभी कुछ लोगों के जिनकी पेंडेंसी थी, कुछ डॉक्यूमेंट इशू था या जिन्होंने अपना कोई एक प्रूफ दिया है कि वो एलिजिबल हैं, तो अभी कुछ बचे हुए हैं उनका भी लेटर आना बाकी है। और बहुत सारे लोगों का अभी कुछ दिन पहले ही आया है जिनका किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको होल्ड पे रखा गया था, या कुछ ऐसे लोग थे जैसे कॉमर्स में या PGT जियोग्राफी में, तो उनको होल्ड कर दिया गया था कंप्यूटर साइंस में ये कह कर कि अभी वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी अराइज होंगी तब हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, और ऐसे भी लोगों को दे दिया गया है फाइनली। फिर भी अभी कुछ लोग रह जाते हैं, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, तो इनका ये प्रोसेस में चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस महीने तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, सितंबर तक पूरा कर लेंगे ये लोग, और इसके बाद जब ज्वाइनिंग हो जाती है वो एक प्रोसेस होता है, जब पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी उनको लगेगा हाँ जिनको ज्वाइन करना था वो अब ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद एक मौका और दिया जाए, जैसे अभी जिनको रिसेंटली लेटर जारी हुए हैं उनको एक और मौका दिया जाएगा कि भाई आपके लिए फाइनल ये डेट है, इस डेट तक आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मान के चलिए वो कोई अक्टूबर की एक डेट रहेगी, तो उस डेट के ओवर होने के बाद फिर क्या करेगा नेस्ट, सभी स्टेट सोसाइटी को बोलेगा कि आप अब हमें अपना ब्यौरा दीजिए, विवरण दीजिए कि कहाँ पर कितनी सीट्स खाली हैं और कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। फिर वो सोसाइटी जो है हर स्कूल से मांगेगी ये रिपोर्ट, और स्कूल का प्रिंसिपल ये पूरी रिपोर्ट देगा कि हमारे यहाँ कितने टीचर ने अभी तक ज्वाइन किया है, कितनी पोस्ट खाली रह गई हैं। देन उसके बाद जो पता चलेगा कि किन किन सीट्स पर लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसमें टाइम लगता है, और इसीलिए दिसंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए। रिप्लाई भी देख सकते हैं, सेम रिप्लाई आया है, जो शायद ये RTI का डेटा ऑफ एक्शन 13 ना, और रिसेंटली अभी मतलब 13 तारीख का ही है, ये रिसेंट का है। तो आई होप आप जो भी पूछ रहे हैं, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो दिसंबर तक मान के चलिए आप वेट करिए, तब तक ये पूरा प्रोसेस जो फ्रेश लिस्ट वाला चल रहा है ये हो जाएगा। जिसको ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा, और फिर उसके बाद वेटिंग निकाली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कई लोग पूछते हैं कि
कुछ लोग रिज़ाइन कर देते हैं, जैसे ज्वाइन किया रिज़ाइन कर दिया, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है, तो वो क्या इसमें काउंट होगी? वो नहीं काउंट करी जाती है, क्योंकि वो सीट ज्वाइन हो चुकी है, वो सीट ज्वाइन हो चुकी है, अब उसने रिज़ाइन कर दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन वेटिंग में उसको काउंट नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जिसने रिज़ाइन कर दिया, ये अपकमिंग जो वैकेंसी होंगी उसमें उसको काउंट किया जाएगा, वेटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कम से कम हमें लगता है 10% लोगों ने रिज़ाइन भी कर दिया, जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उसमें 10% लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, और अभी भी लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। अभी कल ही कई लोगों ने मुझसे बोला सर रिजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है, मतलब डेली एक दो मेरे पास ज़रूर ऐसे आते हैं जो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।